तो सुबह के 5 बज चुके हैं और यहाँ का जो टेम्परेचर है -5 डिग्री और यहाँ से 17 किलोमीटर है चांसल। मॉर्निंग व्यू देखना चाहते हैं कैसा यहाँ पे होता है, तो आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। तो चांसल में आप देख सकते हैं एक तरफ से सूरज उग रहा है और एक तरफ से चांद ढल रहा है। ने हमारा साथ दिया हुआ है हमारी XUV 300 और देख सकते हैं चांसल से ये नज़ारा फिर नहीं मिलेगा दोबारा। आप ले चलते हैं चांसल की और जहाँ पे लोग यहाँ पे व्यू करने आते हैं। मैं तो ये कहूँगा कि आपको चांसल में इवनिंग और मॉर्निंग का व्यू देखना चाहिए क्योंकि यही पैसा वसूल है, नहीं तो कोई फायदा नहीं है दिन में आके बस में चलोगे। ऐसा आप शिमला के नियर बाय जा सकते हो पर यहाँ बहुत ठंडा रहता है इसलिए कोई फायदा नहीं होगा। बहुत अच्छी लोकेशन है, आप देख रहे हैं सूर्य देव को उगते हुए हमारे पीछे, तो काफ़ी क्लासी व्यू है। और कैमरामैन देवव्रत के साथ धन्यवाद। ये हसी वादिया ये खुला आसमां आ गए हम कहां। उस पॉइंट पे थे हम जहाँ से इधर की लोकेशन पीछे की लोकेशन दिख रही थी जो कि इधर की है। चांसल में बस इतना ही कुछ मिलेगा आपको। ये वही पत्थर है जो मकानों की छत पे लगते हैं, तो ये आप देख सकते हैं लोगों ने काटे हैं यहाँ पत्थर। और इन पत्थरों का यूज़ जो पहाड़ में मकान होते हैं उनके यूज़ के लिए किए जाते हैं। अमेजिंग सारी चीज़ें यहाँ पे, जो नेचुरल फील है गजब ही। हम तो निकल चुके हैं अब घर की ओर और ये पीछे हल्की फुल्की बर्फ पड़ी थी वहाँ तक थोड़ा इंजॉय किया, काफ़ी अच्छा नज़ारा है ये चांसल का। नेचर फील करना है तो आ जाओ, यहाँ पे कोई सुविधा नहीं मिलेगी। सुविधा का मतलब है कोई दुकान वगैरह आसपास में नहीं मिलेगी, खाने पीने का कुछ नहीं मिलेगा, सब अरेंज करना पड़ेगा और अपने टायर वगैरह सारे चीज़ें चेक करके आए। सबसे ज़रूरी बात कि अपने गाड़ी के टायर वगैरह अच्छे से देख के आए क्योंकि 30 किलोमीटर मान लो आपको यहाँ कुछ नहीं मिले। स्टेपनी वगैरह पूरी प्रॉपर होनी चाहिए क्योंकि हम बच चुके हैं थोड़ा सा।
तो ये व्यू आपको मिलेंगे इधर। अच्छे व्यू के साथ हमने आज चांसल का विजिट किया, जो कि खूबसूरत है। यहाँ पे रात की जो टेम्परेचर रहता है -15 degrees था जब हमने कल चेक किया था। शाम को हम यहाँ से निकल गए थे, फिर हम सुबह आज अर्ली मॉर्निंग यहाँ पे आए थे। सन राइज पॉइंट हमने देखा, बहुत अच्छा था। और अब घर की ओर जाना, चांसल का टूर समाप्त हो चुका है। आशा करूँगा आपको ये ब्लॉग बहुत पसंद आएगा। My heart rages around like an ocean in my head, because there are so many things that I left unsaid. कल हम यहाँ रुके थे चांसल कैंप्स एंड डोम्स, वेलकम यू लिखा है यहाँ पे। चांसल कैफे कैंप एंड कॉटेज, ये आपको सेब के पेड़ दिख रहे होंगे। आपको वीडियो में दिखा था ये कैसा है व्यू है इसके अंदर का। भैया तो कल हम यहाँ पे नाइट स्टे किया था, बहुत अच्छा यहाँ पे नाइट स्टे रहा। भैया ने हमारी काफ़ी हेल्प करी और ये आपको देख रहे होंगे आप, और काफ़ी अच्छा ही यहाँ पे होम स्टे बनाया है इन्होंने। भैया थोड़ा अपना परिचय दे दीजिए आप। अच्छा चैंसल हाइट्स के नाम से, तो ये इधर बोर्ड है चैंसल कैंप्स की, किसका है ये? चैंसल कैफे, साथ में कैफे भी है। अच्छा कैफे भी है, ठीक है ठीक है। कैफे भी है, चैंसल कैफे है और चैंसल हाइट्स पे ऐसे ही इसमें कैंप्स का नाम है चैंसल हाइट्स के नाम पे। नॉर्मल क्या चार्जेस रहते हैं आपके? जैसे अभी तो सीजन ऑफ है, अभी सीजन स्टार्ट नहीं हुआ, तो वैसे नॉर्मल क्या चार्जेस? 999 हमारे पैक है पर पर्सन का इसमें। अच्छा अच्छा ये 999 का आपका जिन जो भी आता है उसका 999 पर पर्सन के लिए रहता है, पर हेड रहता है। अच्छा तो ये चैंसल हाइट्स में आप आए और यहाँ पे आप स्टे कर सकते हैं, और यहाँ से ज़्यादा दूर भी नहीं है ना, यहाँ से ज़्यादा दूर भी नहीं चैंसल, और आप मज़े भी कर सकते हैं पूरे। और सबसे अच्छी लोकेशन मुझे लगी यहाँ पे, कोई वैसा नहीं है कि जैसे ज़्यादा
डेकोरेशन की है, मैं सिंपल सा आया जैसा होना चाहिए, घर घर जैसा टाइप का बनाया इन्होंने। तो ये है कैफे, यहाँ पे आप बॉनफायर यहाँ पे आराम से एंजॉय कर सकते हैं। तो एक टीम 8 से 10 लोगों के लिए बहुत बढ़िया रहेगा अगर आएंगे इतने लोग। और यहाँ पे बाहर बैठने का बढ़िया बनाया लकड़ी का, सारा नेचुरली फील के लिए काफी अच्छा है। तो कल नाइट में तो नहीं दिखा सकते लेकिन अभी बहुत अच्छा दिख रहा है। तो कल ये रात को हमने यहाँ स्टे किया था, मेरा वहाँ सोने का वहाँ पे था, और ये भैया ने इसको डेकोरेट बिल्कुल घर के तरह किया, जैसे पहाड़ में घर होते हैं सेम वैसे ही, तो सेम वही किया है। धीरे धीरे और भी डेकोरेट कर ही रहे हैं भैया। और यहाँ पे एक चीज़ और है, यहाँ आपको वॉश बेसिन मिल जाएगा और इधर बाथरूम है विद गीजर, तो गीजर के साथ फैसिलिटी आपको गीजर के साथ आपको पूरी फैसिलिटी मिल जाएगी। कैंसल हाइट्स होम स्टे पे हैं अभी, कल हमने यहीं स्टे किया था, तो देवव्रत भैया को दिखा देते फिर बोलेंगे दिखाया नहीं। ठीक है भाई तुम्हारी। तो ये तो हो गया हमारा पंचर तैयार। बस अब जल्दी से हम जा रहे हैं इसको लेके। देवव्रत भैया एक्सीडेंट हो गया, देवव्रत भैया का कहाँ लगी उन्हें टूट गया यार, वो दिमाग खराब है। पहुंच चुके हैं, और फ्रंट पे जा रहे हैं। ये हाटू माता मंदिर का एक गार्डन का नजारा, भागने की तैयारी, और देवव्रत भाई सब पे भारी। इसे स्माइल तो देखो लौंडे की। तो इस समय हम त्यूनी में हैं, और त्यूनी से नैनबाग की ओर जाना है।
पे हम नाश्ता कर रहे हैं जमुनापुर यमुनोत्री रोड पर। तो ये है जमुनापुर, जहाँ से इसके थोड़ा सा आगे वाले पॉइंट से वहाँ से मसूरी के लिए रास्ता कटता है, हल्का फुल्का यहाँ से दिख भी रहा होगा। और यहाँ पे हमने अभी नाश्ता किया था रिवर साइड होटल और रेस्टोरेंट रूम में अवेलेबल भी है यहाँ पे, आप देख सकते हैं जमुनापुर पे। और राफ्टिंग के लिए यहाँ पे कैंपिंग वगैरह में भी आता है, कैंपिंग वैम्पिंग भी कर सकते हैं रिवर साइड में। तो लोकेशन काफ़ी अच्छी है, देवरत भैया का मुर्गा बना पड़ा है यार, मच्छी चावल नहीं अभी बने, वरना मैं खाता हूँ मच्छी चावल।